तो फ्रेंड्स, यदि आप YouTube पे किसी वीडियो को आप देखते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में और उसमें आपको क्लैरिटी नहीं दिखती है, तो प्लीज़ फॉलो दिस मेथड। यू विल हैव क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी इन योर वीडियोस इन योर एंड्रॉयड फोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप जिस वीडियो को देखते हैं उसको टच कीजिए। टच करेंगे तो आपको वहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट दिखेगा, जो कि फिंगर यहाँ पर आपको शो कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा आपके मोबाइल में, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। तो आपको क्वालिटी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा ऑप्शंस खुल जाएगा। जो भी मैक्सिमम पिक्सल यहाँ पे आपको शो करे उसको आप टच कर दीजिए। देन यू विल हैव स्पेशल HD क्वालिटी इन योर वीडियोस एंड उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेट्स गो फॉर डिस्कशंस फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये डिस्कशंस आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ आप लोगों के रिकमेंडेशन के बाद। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं बीपीएससी CDPO का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर 2005 का। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 49 तक का, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुल 50 क्वेश्चंस और उसके बाद जो 50 क्वेश्चंस बच जाएंगे उसका डिस्कशन जल्दी आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं CDPO में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 घंटा समय रहता है, तो काफ़ी स्पीड वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ CDPO के लिए स्पेशली प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस डिस्कशंस, तमाम फ्रेंड्स मुझे रिकमेंड किए थे, कमेंट किया था हमारे वीडियोस पे, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए कुछ लोगों ने कमेंट जो किया तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए रोशन आरा ने कमेंट किया था, सर स्पेशली BPSC और CDPO के लिए वीडियो डालिए ना। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, रोशन जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जितने भी क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के बीच लाने का उसको देखते रहिए, क्योंकि BPSC के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स जितना मैं डिस्कस कर चुका हूं और जो मैं कर रहा हूं उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो डिस्कस कर लिया हूं और जो डिस्कस करूंगा इसमें से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं CDPO में उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए हमारे सारे वीडियोज़ को देखते रहिए, आपका तैयारी बिल्कुल हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे फ्रेंड्स ने यहाँ पर कमेंट किया था, देखिए यहाँ पर ये कमेंट्स आया था सुमन सिंह जी की तरफ से, बिहार CDPO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कीजिए प्लीज़। तो मैं आप लोगों के बीच इन तमाम कमेंट के साथ में लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमेंटिंग सुमन सिंह जी। आइए चलते हैं आगे। एक और फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया था, यहाँ पे देखिए श्वेता सिंह जी हैं, इन्होंने कमेंट करके बताया था, थैंक्स सर आपका वीडियो तो अच्छा है, ये वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया था। और उसके बाद आगे CDPO का एग्ज़ाम है, क्या उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाएंगे सर प्लीज सर, जैसे एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स इन तमाम दोस्तों के कमेंट के बाद मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, इस सीरीज को लाया हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए और मुझे बताइए कि क्या किस चीज़ पे टॉपिक के किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो उसको मैं कोशिश करूँगा लाने का आप लोगों के बीच में। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। अब चलते हैं अपने डायरेक्ट डिस्कशन में फ्रेंड्स। आइए जो 49 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 50 से। यहाँ पर देखिए आइए सिंचित भूमि के अंतर्गत, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आइए यहाँ पे देखिए 50 सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को चुनिए पहचानिए। जो घटते क्रम में यहाँ राज्य बनाए गए इस जगह पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश, उस हिसाब के क्वेश्चन 2005 के हिसाब से। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है सही क्रम आप लोग गूगल करके क्वेश्चंस में आप बताइएगा, इस क्वेश्चंस का सही क्रम अभी वर्तमान में क्या है उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। जितना भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसको कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। आगे चलते हैं 51 पे, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है वहाँ पर चूना पत्थर, ए इज़ द राइट आंसर। बेंगुएला जलधारा, जो बेंगुएला जलधारा है यह फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो है ना एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ डी सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। 53 आइए निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है, निग्रिटो प्रजाति का, तो सेमांग समुदाय निग्रिटो प्रजाति का, सी इज द राइट आंसर। 54 पे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 55 पे, भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया, उस समय के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी मेरे ख्याल से सही आंसर होना चाहिए, कनाडा। 55 का जो है
नहीं, यूक्रेन शायद होगा फ्रेंड्स, इसको एक बार देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 55 का ए होना चाहिए, यूक्रेन, यूक्रेन जो होगा सही आंसर होगा 55 का, अब देख लीजिएगा एक बार गूगल करके। नेक्स्ट 56, जल में बांध का उपयोग किया जाता है, जल में बांध का उपयोग किया जाता है कृषि कार्य के लिए फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 57 पे, बारहमासी नदियों पिरेनियल रिवर्स में जल कहाँ से आता है, बर्फ के पिघलने से आता है, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 2011 में इस बार पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। आगे चलते हैं यहाँ पे राज्य व्यवस्था से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अब तक हम लोग भूगोल से क्वेश्चंस देखे हैं, उससे पहले इतिहास के क्वेश्चंस देख चुके थे फर्स्ट पार्ट में। आइए यहाँ पे राज्य व्यवस्था से देखिए, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है, तो 29 विषयों पर अधिकार दिया गया। लास्ट वीडियो जो मैं बनाया हूँ इस वीडियो से, इस सीरीज से पहले, कल जो मैंने डाला था रात में, उसमें इस चीज़ का डिस्कशन किया है, जिसमें कि मैंने 11-12 सूची का जो डिस्कशन किया है, हमारे संविधान में जो टोटल 12 अनुसूचियां हैं उसमें मैंने इसका डिस्कशन किया, अच्छे से देख लीजिएगा उस वीडियो को, मैं लिंक दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। आगे चलिए, और हमारे तमाम वीडियोज़ को आप लोग लगातार देखते रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल हो जाएगी, कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हर एक वीडियोज़ को हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं कलेक्ट करके कंबाइंड एक ऐसा बना के लाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो जाए। आइए चलते हैं 59, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान का आत्मा जो कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा कहा जाता है, और जिसको हार्ट एंड सोल बोलते हैं उस वो बोला जाता है, हार्ट एंड सोल बोला जाता है प्रस्तावना को, सिर्फ आत्मा कहने की बात कही जाएगी तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा जाता है, डी इज द राइट आंसर हो गया, और हार्ट एंड सोल की बात कही जाएगी तो वो कहा जाएगा प्रस्तावना जो हमारे संविधान का है। 60 पे, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, तो ये निकाला गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल में, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा निकाला गया था वो आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। 61, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, मूल सूची में जो जोड़ा गया था फ्रेंड्स, वो जोड़ा गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार में जोड़ा गया था, और इन तमाम जो राजनीतिक व्यवस्था से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमारा वीडियो यदि आप लोग देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला, उसमें बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करके चल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में मैंने डिस्कस किया है, वो काफ़ी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखने की कोशिश कीजिए, आपका इंडियन पॉलिटी का वीडियो जो है ना कंप्लीट वहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आगे चलते हैं यहाँ पे 62, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना, झारखंड 28वां राज्य बना था। 63, सूची एक को सूची दो से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया गया है राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो यहाँ पे कूट दिया गया, किस देश से कौन सा यहाँ पे लिया गया है संविधान में हमारा जो प्रावधान लिया गया, जैसे राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत वो लिया गया है आयरलैंड से, मौलिक अधिकार का सिद्धांत जो है वो यूएसए से लिया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है वो लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया, जो कि यहाँ पे इसको मिलाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सारे, यहाँ पे देख लीजिए एक सेकेंड, ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मिला देख लीजिएगा उसको पॉज करके। आगे फ्रेंड्स देखिए 64 पे चलते हैं, आइए यहाँ पे 64, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे आइए 65 पे, मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का स्थान क्या है, उस समय जो भारत का स्थान था फ्रेंड्स उसके हिसाब से 65 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 65 का, लेकिन अभी के हिसाब, सॉरी बी 127वां था, अभी के हिसाब से क्या होगा आप बताइएगा, उस समय 2005 के हिसाब से 127वां स्थान था, अभी के हिसाब से आप कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद चलते हैं 66 पे,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो ये संविधान संशोधन 42वां हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 67 पे चलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कालक्रम क्रमानुसार क्रम क्या है? कालक्रम के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार नहीं, कालक्रम के अनुसार। तो 14वां हो जाएगा, व्यक्ति के अनुसार जो है। फ्रेंड्स आप कमेंट में करके बताइएगा कितना था व्यक्ति के क्रम में, कालक्रम के अनुसार 14वां हो जाएगा। यहाँ पे बी होगा सही आंसर। जितना भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, उससे आपको भी जानकारी मिलेगी और कुछ लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी जो नहीं जानेंगे। कमेंट के माध्यम से टू वे कम्युनिकेशन बना रहेगा। आइए यहाँ पे, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं धाराएँ, उस समय जो धाराएं के अनुच्छेद की बात नहीं कही जा रही है, धाराएं की बात कही जा रही है। तो ये 301 ऑप्शन हो जाएगा, और अनुच्छेद यदि पूछता तो हो जाता फ्रेंड्स 465 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, तो अभी उस समय जो है 301 धाराएं थी। आइए यहाँ पे आगे चलते हैं 69 पे। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? तो फेडरल सिस्टम का विचार कनाडा से लिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 70, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की बात कही गई है, जो कि कल मैंने डिस्कस किया था वीडियो में भारत की अनुसूचियों के बारे में, उसमें सारा डिस्कशन अच्छे से मैंने किया है। आगे चलते हैं 71 पे। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 71 आके देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड 71 देख लीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो शुरू में जो है ना समाजवाद और धर्म निरपेक्षता जो है शुरू में नहीं जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है फ्रेंड्स। आइए 72 पे चलते हैं। यहाँ कुछ अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो CSO द्वारा की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 73, भारत का योजना आयोग है, योजना आयोग जो है, योजना आयोग तो अब नहीं रहा, अब हो गया नीति आयोग वहाँ पे, लेकिन एक सलाहकार बॉडी है, सलाहकार बोर्ड है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर, नीति आयोग अब आ गए हैं, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 74, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएँ कब स्थापित हुई थी? गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? 74 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1875, बी इज द राइट आंसर। 75, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मेरे ख्याल से डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 75 का। आगे चलते हैं 76 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? बिहार को जो सीट मिली थी फ्रेंड्स वहां पे 8 सीटें मिली थी। 76 का हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। यहां 77 पे चलते हैं। देखिए, भारत का कर प्रयास वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के कर के अनुपात के रूप में मापा जाता है, वो अनुपात मापा जाता है 8%, उस समय के अनुसार, अभी के अनुसार आप कमेंट में वर्तमान में क्या है बताइएगा। यहाँ पे देखिए 78, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 के आदेशानुसार वर्ष 2007-08 में, एक सेकेंड यहाँ पे, 8 तक राजकोषीय घाटा को 10% तक घटाकर लाया गया था, उस समय के हिसाब से 3% सही आंसर हो जाएगा। 79, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया था, तो ये दिया था चलैया समिति ने। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 80 पे चलते हैं। 80 यहाँ पे देखिए, वर्तमान में बीमा का नियामक कंट्रोलर जो होता है वो IRDA के अध्यक्ष होते हैं, IRDA के अध्यक्ष होते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उस समय के हिसाब से। 81 यहाँ पे चलिए, विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है। वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार डी इज द राइट आंसर, यूरेनियम। 82, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड को, यहाँ के ऑप्शन के अनुसार। आगे चलते हैं 83 पे। उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, यह उपयोग किया जाता है टेलीविजन के लिए, बी इज द राइट आंसर। 84, इनमें से
कौन दिखता नहीं है, जो यहाँ नहीं दिखता वो राहु नहीं दिखता, डी इज द राइट आंसर। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ये देखिए 86। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है, पेट्रोल लगता है फ्रेंड्स, यहाँ ए डी हो जाएगा सही आंसर 86 का। आगे चलते हैं, आइए यहाँ पे 87 पे चलिए, देख लीजिए। डीजल का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शंस होता है, वो होता है जमीन से, डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर आपका 87 का आंसर जो है डी होगा। आगे चलते हैं, तेल सॉरी जास्ता जिंक में, जिंक से बनता है, जिंक से जो बनता है विद्युत बैटरी बनता है, यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं यहाँ पे 89 पे, यूरेनियम से क्या बनता है, यूरेनियम से क्या बनता है, तो ये यूरेनियम से तो बिजली बनता है, सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 90, कोयले का उपयोग होता है जलाने में, यहाँ पे जो ऑप्शन है। आगे चलते हैं, हीरा अपरूप है, अनदर फॉर्म है, ये कार्बन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। 92, चेचक का टीका वैसनी फॉर स्मॉल पॉक्स कहाँ से बनता है, ये बनता है भेड़ से, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 93 पे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्टीम इंजन कैसे चलता है, उष्मा से चलता है स्टीम इंजन। आगे 94, वातानुकूल यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, वातानुकूल जो एसी होता है उसे क्यों ठंडी होती है, गैस के दबाने और मुक्त करने से, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 95 पे देख लीजिए, यहाँ पे 95, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूबलाइट के शीशा पर निर्भर करता है, किस टाइप का शीशा लगा हुआ है। 96, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है, ए इज द राइट आंसर। 97, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है यहाँ पे रेडियो तरंगों को, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 97 का। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा उसको जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में, और हमारे साथ जो जुड़े हैं और हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ पर कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं अगला वीडियोज़ में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, उसके अलावा मैं या मंडे को, मंडे से जो है फ्रेंड्स बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डिस्कशंस भी शुरू कर रहा हूं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम क्वेश्चंस का मैं डिस्कशंस आप लोगों के बीच लेकर के आता रहूंगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारे साथ बस जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट करके हमारे हमारे एनर्जी को और बढ़ाइए और हमें मोटिवेट करते रहिए आप लोग कमेंट करके, ताकि अच्छा अच्छा डिस्कशंस मैं लेकर के आप लोगों के बीच आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर दिस डिस्कशंस। अब जो क्वेश्चन कुछ बच गए हैं आपके लिए इस सीरीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीपीओ का जो 2005 में बच गया उसका मैं डिस्कशन अगले वीडियो में कर दूंगा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसका भी डिस्कशन जल्द ही लेकर के आऊंगा आप लोगों के बीच। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।